हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएसी चैनल पर। और सी सेट 2023 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, सेट ए है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें पूछ रहा है 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, सो हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। मतलब एक क्यूब चारों तरफ से दूसरे क्यूब से सराउंडेड, ऐसा कितना क्यूब्स होगा। तो काफ़ी आसान सवाल है ये। जैसे 125 आइडेंटिकल क्यूब है तो ये 5 का क्यूब होता है ना, 125 है ना। तो मतलब कि 5 क्यूब्स जो होंगे, ऐसा अगर क्यूब हम लोग एक फिगर देख लें, इसको ऐसे बना लेते हैं तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। और इसमें 5 क्यूब्स ऐसे ऐसे डाल देते हैं ना, एक दो तीन चार, ये हो गया। और इसी तरीके से इधर से भी हो जाएगा, एक दो है ना, तीन चार पाँच। ठीक है, तो ये 5 क्यूब्स इसी तरह से लाइन में रहेगा, इस तरह से अगर देख लेंगे तो। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल है थोड़ा, यार फिगर अच्छा से नहीं बन रहा है तो काइंडली कंसिडर। तो ऐसा ही पूछ रहा है ये, जैसे एक दो तीन चार 5 क्यूब्स इधर से, 5 क्यूब इधर से, 5 क्यूब इधर से, तो 125 इस तरह से अरेंज हो गए। अब ये पूछ रहा है कि चारों तरफ से सराउंडेड हो दूसरा क्यूब, तो मतलब कि जो भी इसके मतलब जो एक एक आउटर अगर छोड़ दे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और इधर से भी सबको एक एक आउटर हटा देंगे ना, तो मतलब जो अंदर वाला होगा चारों तरफ से सराउंडेड होगा। मतलब ऊपर का ये एक लेयर हट जाएगा, नीचे इधर का एक लेयर, सारे साइड का एक एक लेयर हटा देंगे तो अंदर का क्यूब चारों तरफ से सराउंडेड होगा, है ना। तो अगर इसी तरह से देख लेते हैं क्यूब, क्योंकि एक साइड में 5 है, तो अगर एक एक किनारे से हटाएंगे सब साइड से, इधर से भी, तो 3 बचेगा यहाँ पे, है ना, 3 क्यूब्स, एक दो तीन। वैसे ही यहाँ भी 3 क्यूब्स बचेगा अंदर में, है ना। तो मतलब कि 3 × 3 × 3 क्यूब्स जो बचेंगे वो चारों तरफ से सराउंडेड होंगे, मतलब 27 हो जाएगा। और आप इस तरह से इमेजिन भी करके देख सकते हैं ना। तो ये तो आसान सवाल था और आसानी से बन जाना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब।